वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर वीडियोग्राफी सर्वेक्षण सोमवार को लगातार तीसरे दिन जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्ञानवापी सर्वे टीम से एक सदस्य को हटा दिया गया। इन पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप है। ज्ञानवापी सर्वे में शामिल वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम प्रसाद सिंह को सर्वे में शामिल होने से रोका गया है। बताया जा रहा है कि सर्वे की जानकारी को बाहर बताए जाने के संदर्भ में उन्हें अंदर जाने से रोका गया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का दारा द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण सोमवार को लगातार तीसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू रहा। मस्जिद कमेटी की आपत्तियों के बीच पिछले हफ्ते सर्वेक्षण को रोक दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक आज सर्वे टीम नंदी के सामने बने कुएं की तरफ जाएगी। इससे पहले रविवार को हुए सर्वे में पश्चिमी दीवार, वजो स्थल, नमाज स्थल के अलावा तहखाने में भी सर्वे का काम किया गया था। वहीं सर्वे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। गुदौलिया से मैदागिन तक सभी दुकानें फिलहाल बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में जवानों को तैनात किया गया है। परिसर क्षेत्र के आसपास CRPF की टीमें भी तैनात हैं। सर्वे का काम रविवार को ख़त्म होने की उम्मीद थी, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से भी फिल्मांकन प्रक्रिया के काम में थोड़ी दिक्कत आई। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण रविवार को लगातार दूसरे दिन शांतिपूर्वक किया गया, जिसमें 65% काम पूरा कर लिया गया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि सर्वेक्षण का लगभग 65% कार्य पूरा हो चुका है। यह पूरी तरह से एक पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य है, और चूंकि अधिवक्ता सर्वेक्षण कार्य से परिचित नहीं थे, इसलिए काम में कुछ समय लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।